संदर्भ निर्णायक होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कोई भी हम काम करते तो उसके पीछे वाय जो है, वाय, वो आप काम क्यों करते हो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ, वो बहुत महत्व का होता है। जब संदर्भ नहीं है काम करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर लोगों के पीछे लग लग के काम करके लेना पड़ता है। जब लोगों को संदर्भ है कि जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर उनके पीछे लग के काम करना नहीं पड़ता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक मंदिर का बांधकाम चल रहा था, मई महीना था, बहुत कड़ी धूप है, दोपहर के 12-1 बजे हुए है, और काफ़ी सारे मजदूर वो मंदिर के बांधकाम में काम कर रहे हैं। तो वहाँ प्रेस रिपोर्टर वहाँ गए थे, उन्होंने एक मजदूर को पूछा कि भाई आप जो अपने सर के ऊपर ईंट लेके जा रहे हो तो वो क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो मजदूर ने ये बोला, आपको समझता नहीं क्या, मेरा पेट है, मैं पेट भरने के लिए यहाँ आता हूँ और इसलिए ईंट लेके जा रहा हूँ। बोले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दूसरे मजदूर को पूछा कि भाई आप क्यों ईंट लेके जा रहे हैं सिर के ऊपर धोके, तो बोले वो दीवार जो है ना उनको आज पूरी करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, दीवार पूरी करनी है, दीवार बांध के होना चाहिए। वो ठेकेदार बहुत चिल्लाता है, आज दीवार होनी चाहिए, इसलिए मैं ईंट लेके जा रहा हूँ। तीसरा आदमी जो है वो ईंट लेके जा रहा था, वो बहुत ही फास्ट जा रहा था, बहुत ही एनर्जी थी, बहुत उत्साही था, गाने गाते गाते जा रहा था, इतनी धूप में पसीना फुल है, और तभी बहुत एंजॉय करते जा रहा था। उसको पूछा कि तू क्या कर रहा है, तू क्यों ईंट लेके जा रहा है, तो बोले मैं भगवान का मंदिर बांधने के लिए ये काम कर रहा हूँ, जहाँ लोग आएंगे और उनको मन को शांति मिलेंगी और खुशियाँ मिलेंगी। तो तीसरा आदमी जो है वो काय के लिए काम कर रहा था कि लोगों को मन को शांति मिलेंगी और खुशियाँ मिलेंगी, इसलिए वो ईंट लेके जा रहा था। तो पहला पेट के लिए और दूसरा दीवार के लिए कर रहा है। तो जब कॉन्टेक्स्ट आपका इतना है परफेक्ट, इतना बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है कि लोगों को मन की शांति मिलेंगी, लोगों को खुशियाँ मिलेंगी और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, भाई पैसे तो सबको मिल रहे हैं, तीनों को 300 रुपये रोज मिल रहा है, जो पेट के लिए काम कर रहा है उसको भी 300 है, जो दीवार बांध रहा है उसको भी 300 है, और जो मंदिर बांधने का काम कर रहा है जहाँ लोगों को खुशियाँ और शांति मिलेगी उसको भी 300 मिल रहा है। मगर जो खुशियाँ और शांति के लिए काम कर रहा है उसका संदर्भ अलग ही है, उसको काम में जोश है, उसको उत्साह है, वो थक नहीं रहा है, भर दोपहर में वो एकदम गाने गुनगुनाते हुए जोश में काम कर रहा है, उसका काम कितना बढ़िया होगा। तो हरदम ये देखिए कि हमारे टीम में हम काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में बोलो, आपके एंटरप्राइज में बोलो, आप जहाँ भी काम करते हैं, आपके हॉस्पिटल में, आपके दुकान में, जितनी भी टीम काम कर रही है, वो टीम जो काम कर रही है वो क्यों काम कर रही है वो महत्व का है। और उनको यदि वो क्यों मिला, वाई दे आर वर्किंग, पेट के लिए नहीं होना, क्योंकि पेट के लिए काम करने वाला आदमी कभी खुश रह सकता नहीं, उसको कितनी भी सैलरी दिया तभी वो पूरी होंगी नहीं और वो हरदम दुखी रहेगा। तो मैं पेट के लिए काम करने वाला हूँ या काम करने के लिए आता हूँ, पैसा मुझे मिलता है इसलिए मैं आता हूँ, तो उसको बाहर रखो, उसको अंदर ही मत आने दो। आपके टीम में ऐसे लोग रखो कि जो एक कोई उद्देश्य लेके काम कर रहे, एक संदर्भ लेके काम कर रहे और एक बड़ा काम कर रहे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारा ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।